कैथल विधानसभा क्षेत्र से लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की टिकट पर श्याम मंडी ने अपना दावा जताया है। श्याम मंडी कैथल के सभी 45 गांवों का दौरा कर चुके हैं। श्याम मंडी ने कांग्रेस और भाजपा पर हरियाणा की जनता के हितों पर कुठाराघात करने के आरोप लगाए। श्याम मंडी ने LSP प्रमुख राज कुमार सैनी को दलित और पिछड़े वर्ग का सच्चा हितैषी बताया। आइए सुनते हैं। युवा लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के साथ बहुत ही भारी संख्या में जुड़ रहे हैं, क्योंकि वो सम्मान जो शिक्षा और सम्मान रोजगार की बात है, इसमें एक परिवार एक रोजगार की बात है। युवाओं को कुछ नहीं चाहिए, युवाओं को चाहिए नौकरियां। जो आज BJP सरकार में देख लो कैसे बच्चे बाहर पेपर देने के लिए 200-200 किलोमीटर 250-250 किलोमीटर जा रहे हैं। आप देखो कितनी बदतर हालत हो गई है, बसों में जा रहे हैं। अगर इनको लोगों इनको BJP वालों को रैली करनी होती है तो ये बसें भेज देते हैं। और बच्चों को कैसे तंग किया जा रहा है, दूर पेपर जैसे किसी बड़ी परीक्षा का आयोजन कर रहे हो ये लोग, काफ़ी जानबूझ कर तंग कर रहे हैं ऐसे। इसीलिए काफ़ी युवाओं में ज़्यादा रुझान है कि लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी समानता विश्वास रख। विकास BJP कहाँ कर रही है सर, और गलियों की देख लो, सीवरेज सारे मुंदे पड़े हैं, सारे गलियों की व्यवस्था सारी फटी पड़ी है। या कैथल में कोई नया प्रोजेक्ट बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया है। कैथल का तो विकास पहले से भी ज़्यादा बदतर हो गया है। ये कैथल की जनता BJP को नकार चुकी है, और ये अंधभक्ति के कारण कुछ जो ये चाहते हैं, ये अंधभक्ति है इन लोगों में, इस करके ये थोड़ा इनमें दिखा रहे हैं। 20-20 कैंडिडेट हैं, इनका जनाधार बिल्कुल खिसक चुका है। लोगों में नेगेटिव BJP की तरफ से काफ़ी नेगेटिविटी है। जैसे अभी रणदीप सुरजेवाला को ले लो, दलित और पिछड़ों की अब याद आने लगी है इसको। ये पहले कहाँ गया था रणदीप सुरजेवाला, जब ये सत्ता में थे कांग्रेस और अभी BJP ही। ये आंकड़े उठा के ले लीजिए, RTA के आंकड़े हैं, SC और OBC के सभी वंचित वर्गों के। ये OBC समाज की हिस्सेदारी इसको पहले नहीं दिखाई दी, 22% लोगों को 11% पे लेकर समेट दिया। इसने क्यों नहीं है, अब दलित पिछड़े इनको याद आने लगे हैं। और यही BJP का हाल है, 11% से 12% पे ये लोग धकेल दिए हैं OBC के, SC के 14% पे लेकर धकेल दिए हैं। इन्होंने हमेशा से ही दलित और पिछड़ों का हक खाया है, वंचित लोगों का। ये अपनी डपली अपना राग अल्पाया है, और लोगों को अपनी तरफ से अपने अपने लोगों को इन्होंने रोजगार दिया है। ये दलित और पिछड़े वंचित जब याद आते हैं, जब इन्होंने इनकी खेती करनी होती है वोटों की, और वरना नहीं आते। BJP सरकार ने कोई प्रोग्रेस नहीं की, लोगों को सिर्फ पाखंडवाद अंधविश्वास और धर्म के झगड़ों में उलझाकर, जातियों के झगड़ों में उलझाकर रखा है। सारी जनता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है, और काफ़ी संख्या में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं। और वैसे भी राजकुमार सैनी में शुरू से ही जनता की आस्था है, क्योंकि ये हमेशा से ही दलित वंचित और पिछड़ों के साथ हमेशा से ही निडरता के साथ खड़े हुए हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।